अगर आप भी एक जर्मन शेफर्ड लेना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को देख लो ताकि आपके साथ ये वाला फ्रॉड ना हो। आप जब जर्मन शेफर्ड लाते हो तो वो कुछ ऐसे दिखता है एंड जब वो बड़ा हो जाता है तो कुछ ऐसे दिखता है, यानी कि किसी भी एंगल से वो जर्मन शेफर्ड दिखता ही नहीं है। ये फ्रॉड काफी लोगों के साथ होता है, स्पेशली जिनको डॉग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हो तो फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप डॉग को देखते ही बता दोगे कि ये जर्मन शेफर्ड ओरिजिनल है या फिर फेक। लैब्राडोर के बाद इंडिया में जर्मन शेफर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो इस रीज़न की वजह से इन लोगों को आसानी हो जाती है फ्रॉड करने में। इसका फ़ायदा उठाकर ये लोग जो है भोले वाले लोगों को फंसा देते हैं कि ये बोलकर कि ये ओरिजिनल डॉग है एंड वो डॉग जो है असल में मिक्स होता है या फिर फेक होता है। आइए कुछ ऐसे तरीके जानते हैं जिससे आप इजीली पहचान सकते हो कि आपका जर्मन शेफर्ड प्योर है या फिर नहीं। नंबर वन, आपको जो जर्मन शेफर्ड का कोट कलर पता होना चाहिए। देखो बेसिकली जर्मन शेफर्ड में तीन तरीके के कोट कलर होते हैं। जो सबसे पहला एंड कॉमन है वो होता है ब्लैक एंड टैन। सेकंड जो होता है वो होता है प्योर ब्लैक यानी कि जेड ब्लैक। थर्ड जो होता है प्योर व्हाइट यानी कि जिस पर कोई और स्पॉट नहीं होता। एंड इनमें जो है कोट थ्री टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट एंड लॉन्ग कोट। ये जो है एक जर्मन शेफर्ड का बेसिक होता है। अब हम जानते हैं कि प्योर क्वालिटी के जर्मन शेफर्ड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। देखो अगर आप किसी जर्मन शेफर्ड को देखते हो यानी कि पपी को एंड उसके अगर पैर पर या फिर टेल पर अगर थोड़े बहुत वाइट स्पॉट है तो वो चलता है एंड अगर वो इजीली विजिबल है तो वो कुछ दिक्कत नहीं होती है। एंड अगर आपके जर्मन शेफर्ड के बॉडी पर कहीं पर भी अगर वाइट स्पॉट है तो वो जो है एक अच्छा जर्मन शेफर्ड नहीं है, मतलब अच्छी क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड नहीं है। उसके अगर टेल पर या फिर उसके जो पैर होते हैं उस पर अगर थोड़ा बहुत वाइट स्पॉट होता है तो वो जो है अच्छे क्वालिटी के जर्मन शेफर्ड्स होते हैं एंड आजकल ये जर्मन शेफर्ड में कॉमन हो गया है। बट उनके पैर या फिर टेल छोड़कर अगर कहीं पर भी वाइट स्पॉट दिखता है तो वो आप जर्मन शेफर्ड मत लेना, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। एंड सेकेंड थिंग, आप जो है जर्मन शेफर्ड के कानों से पता कर सकते हैं वो प्योर है या फिर नहीं। देखो जब वो पपी होता है तो ऑब्वियसली उसके कान जो है मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं होते, उसके कान जो है लैब्राडोर जैसे नीचे ही होते हैं। बट जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसके कान जो है स्टैंडिंग पोजिशन में आने लगते हैं इन ट्रायंगुलर शेप। एंड अगर आपके जर्मन शेफर्ड के ईयर्स स्टैंड नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि वो जो है प्योर नहीं है। एंड इस बात का खास ध्यान रखना कि जर्मन शेफर्ड के ईयर्स में ज़्यादा गैप नहीं होता। अगर आपके जर्मन शेफर्ड के ईयर्स में ज़्यादा गैप दिखता है आपको तो इसका मतलब है कि वो जो है एक लो क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड है, मतलब उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो डॉग मत लेना। एंड सेकेंड थिंग इज उसकी टेल। देखो जर्मन शेफर्ड की टेल लॉन्ग, सीधी और मोटी होती है एंड उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा हेयर्स होते हैं। जब डॉग एक्टिव होता है तो तब उसकी टेल थोड़ी बहुत कर्व हो जाती है, बट अगर उसकी टेल हमेशा कर्व होती है तो वो एक फेक डॉग है यानी कि क्रॉस ब्रीड है। तो डॉग जब खेलता है या फिर भागता है तब उसकी अगर टेल थोड़ी बहुत कर्व हो जाती है तो वो एक नॉर्मल बात है, बट उसकी टेल अगर हमेशा ही कर्व होती है तो वो जो है एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो प्योर नहीं है। थर्ड थिंग इज स्टैंडिंग पोजीशन। अगर जर्मन शेफर्ड की स्टैंडिंग पोजीशन रॉटवाइलर या फिर लैब्राडोर की तरह एकदम स्ट्रेट है तो वो एक अच्छी क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड नहीं है। जर्मन शेफर्ड की जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, या फिर इन्हें एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड भी कहा जाता है। कुछ जर्मन शेफर्ड के जो पीछे वाले लेग्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा बेंड होते हैं तो उन्हें एंगुलेशन कहते हैं। एंड एक जर्मन शेफर्ड की स्टैंडिंग पोजीशन एक अच्छी क्वालिटी डिफाइन करती है। अगर आप उसके स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसा डाउनवर्ड देखते हो तो वो काफ़ी अच्छा है एंड अगर आप स्ट्रेट देखते हो तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मिक्स ब्रीड है। फोर्थ सबसे मेन पॉइंट है कि आपको उसके मदर फादर को देखना चाहिए। जब भी आप एक पपी को लेने जाते हो तो आपको डेफिनेटली उसके मदर फादर को देखना चाहिए, बिकॉज 90% ऑफ डॉग उनके मदर फादर पर डिपेंड करते हैं कि वो कैसे होंगे। अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है, उन पर कोई व्हाइट स्पॉट नहीं है तो पपी पर भी कोई व्हाइट स्पॉट नहीं आएगा, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगेगा। बट आपको एक बार डिमांड जरूर करनी है कि आप जब भी पपी लेने जाओ तो उसके मदर फादर को जरूर से देखना। फिफ्थ एंड लास्ट थिंग इज फेस स्ट्रक्चर। देखो एक जर्मन शेफर्ड का फेस काफी लंबा होता है एंड उसका नोज भी काफी बड़ा होता है एंड जो कि ट्रायंगल शेप में होता है। अगर आपका जर्मन शेफर्ड का फेस थोड़ा बहुत ऐसा गोल मटोल है या फिर लैब्राडोर जैसा तो उसका मतलब यह है कि वो क्रॉस है। तो इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको उसका कलर देखना है, देन उसके ईयर्स को देखना है, देन उसके टेल को देखना है एंड उसके स्टैंडिंग पोजीशन एक बार देख लेनी है, मदर फादर को देखना है एंड उसका फेस स्ट्रक्चर देखना है। इन सारी बातों को अगर आप एक जर्मन शेफर्ड में आइडेंटिफाई करते हो तो इसका मतलब वो एक प्योर क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड है, वो आपको जरूर से लेना चाहिए। देखो जब भी हम डॉग लेते हैं तो हमें एक अच्छी क्वालिटी का ही डॉग लेना चाहिए, बिकॉज वो डॉग हमारे साथ 10 से 12 साल तक रहेगा एंड हमें बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने अच्छी क्वालिटी का डॉग नहीं लिया। भले ही आपके थोड़े से ज़्यादा पैसे चले जाए बट आप एक अच्छी क्वालिटी का डॉग लेना।
मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मेरे साथ भी ये वाला फ्रॉड हुआ है। तब मुझे डॉग के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो अगर आप एक जर्मन शेफर्ड लेना चाहते हो या फिर आपका जो भी दोस्त जर्मन शेफर्ड लेना चाहता है उस तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। एंड वीडियो अगर आपको ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।